स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन जगत में। दोस्तों, कल से एक खबर वायरल हो रही है कि स्टेट 2019 के नियमावली में बदलाव होगा, जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें पूरा चेंजेस होगा, सब कुछ बदल दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इसकी बहाली ऑनलाइन होनी है, ये तो बात सभी हर कोई जानता है कि ये बहाली ऑनलाइन होगी और सेंट्रलाइज होगी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इसका पूरा प्रक्रिया ही बदल दिया जाएगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा और उसके बाद स्टेट के अंक को जोड़कर मेधा बनाई जाएगी, फिर जाके बहाली होगी और इसमें नॉट मेरिट मेरिट दोनों ही शामिल होंगे। यानी ये तो 26 जून के लेटर से ही ये क्लियर कर दिया गया था कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट। और ये सारा खेल क्यों रचा जा रहा है, इसके पीछे नॉट मेरिट का जो 26 जून का लेटर है वही, उसकी वजह से ये सारा खेल रचने की कोशिश की जा रही है, जो सरासर गलत है। चलिए मैं आपको इस बहाली से जुड़े, नियमावली से जुड़े सारी जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। ये पूरा विस्तार से इसकी कहानी शुरू हुई थी स्टेट 2019 के रिजल्ट आने के बाद। जब रिजल्ट आया उसके बाद एक खेमा मेरिट का और एक खेमा नॉट मेरिट का, इस तरीके से दो खेमे में अभ्यर्थी बट गए। आप सभी को पता है एग्ज़ाम में पास फेल लगा रहता है, कोई फेल होता है कोई पास होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉट मेरिट जो थे उन्होंने गुंडागर्दी का रास्ता अपनाया और जाके उन्होंने बिहार बोर्ड का जो गेट था वो तोड़ दिया। गेट तोड़ने के बाद सरकार को उनको दंड देना चाहिए था, उन पर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए लेकिन सरकार ने क्या किया, उसका उल्टा, गेट टूटते ही फट से इन्होंने झट से एक 26 जून को लेटर जारी कर दिया और कहा कि विज्ञापन रद्द। ठीक है, लेटर जारी किया और कहा विज्ञापन रद्द, यानी गुंडागर्दी से सरकार डर गई। इतना बात तो क्लियर है। अब आगे देखिए, अब ये जो नियमावली है इन्हीं 9 शब्दों के आसपास घूम रही है, यानी बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी स्टेट अंक, स्टेट वेटेज, 26 जून का लेटर, विज्ञापन, नया नियमावली और कोर्ट का निर्णय। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी रिजल्ट के बाद की कहानी हुई, और इसका जो मूल कारण है वो है 26 जून का लेटर। 26 जून के लेटर को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में सभी मेरिट वाले गए हुए हैं और ये सभी को पता है, नॉट मेरिट को भी पता है कि विज्ञापन को बदला नहीं जाता, कोर्ट विज्ञापन के विरुद्ध निर्णय नहीं देगा, इसलिए विज्ञापन की जीत होगी। ठीक है, और सरकार भी 26 जून के लेटर को अगर चाह कर भी वापस वो नहीं ले पा रही है, क्यों, एक बार लेटर निकाल दी है तो दोबारा वापस लेने में उनको भी थोड़ा झिझक हो रहा होगा, वो भी क्या चाहती है, कोर्ट का निर्णय आने तक रुकना चाहती है, लेकिन क्या है कि बहाली करनी भी है तो ये भी चाहती है, वो बीच का एक रास्ता निकालना चाहती है। वो बीच के रास्ते उसने दो रास्ते तैयार किए हैं, पहला कि मेरिट वाले स्टेट पास अभ्यर्थी को वेटेज दे दिया जाए और दूसरा बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम दे करवा दिया जाए। इस तरीके से ये दो रास्ते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें विज्ञापन के साथ जाना है, हमें कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना है। हम विज्ञापन के साथ जाएंगे, कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करेंगे तो ये सारे ही कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट इसका साथ देगा और ये नई नियमावली नहीं बन पाएगी, रद्द हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम शुरू से जान लेते हैं। स्टेज को बैटेज देकर चाहते हैं कि इनको बैटेज देकर और बहाली कर दिया जाए, क्या आप बैटेज देने के बाद ये संभव है कि सभी मेरिट वाले जो 30,600 जितने भी हैं उन सब की बहाली हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसमें से हो सकता है 5-10,000 बाहर हो जाए, अगर 5-10,000 बाहर होंगे तो क्या उन 5-10,000 में आप नहीं आ सकते, आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। हो सकता है 130 नंबर लाने वाला बाहर हो जाए बहाली से, हो सकता है 140 नंबर लाने वाला बाहर हो जाए और ये जो फेल है उनकी बहाली हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बैटेज नहीं चाहिए, हमें विज्ञापन चाहिए, विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा, ये चाहते हैं बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लेके बीपीएससी के अंक और स्टेट के अंक को जोड़कर बहाली कर दिया जाए, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें विज्ञापन के साथ जाना है। क्यों, क्योंकि विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि दोबारा एग्ज़ाम होएगा। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। यही नहीं, 26 जून का लेटर इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि विज्ञापन क्या है, अपने आप में एक नियमावली है, अपने आप में एक कानून है और इस नियमावली को कोई लेटर रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है,
इसीलिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना है और हमें इसका कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना है। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक हमें ये नहीं कि हाँ जी इसके साथ चले गए तो ये ले, कुछ मैं सुन रहा हूँ कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि चलो ठीक है एग्ज़ाम में BPSC का एग्ज़ाम ना करा के अगर ये ऐसा कर दें वेटेज दे दे और बहाली कर दे तो ठीक है। अरे कहाँ ठीक है भाई, कैसे ठीक है? अरे 5-10 हज़ार लोग बाहर हो जाएंगे, वो जो बाहर होंगे उन्होंने क्या मेहनत नहीं किए थे मेरिट में आने के लिए? कितना मेहनत किया था, कितना पढ़ाई किया था, रात दिन एक कर दिया था। लाख लोगों में मेरिट में आना क्या मामूली बात है? आप सोच रहे हो कि हाँ जी हमारी बहाली हो जाए उनकी ना होए, ये तो गलत है, सरासर गलत है, अन्याय है। अरे एक भी फेल विद्यार्थी को टीचर बनने का अधिकार नहीं है। अगर वो टीचर बन जाता तो कल को वो ये बच्चे को यही पढ़ाएगा कि मेरिट पढ़ो बच्चों, मेरिट बराबर नॉट मेरिट, ठीक है? और हमें क्या करना है, मेरिट बराबर नॉट मेरिट दोबारा ना पढ़ाया जाए, इसलिए इसको रोकना है और ये यहीं रोक देना है। अगर एक बार हो गया तो ऐसा बार बार होता रहेगा। हमें क्या है, कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कभी ये ऑर्डर नहीं देगा, विज्ञापन के खिलाफ लेटर को मान्यता नहीं देगा, ये सभी जानते हैं। हर राज्य में ऐसा हुआ है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है, केस ऐसा मामला आया है, लेकिन कभी भी कोर्ट ने ऐसा निर्णय नहीं दिया है और नहीं माना है। सरकार को हमेशा फटकारा है और इस बार भी डांट लगाएगी और फटकार लगाएगी। हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए और हमारी बहाली इसी पे होगी। हमें ये नियमावली वेटेज ये एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और रही बात, आप सभी जानते हैं ये बहाली पुरानी है, अंत में बता दूं, और ये नया नियमावली बनाने की जो कोशिश की जा रही है ये इस पर लागू नहीं होगा। हम कोर्ट में जो गए हैं बिल्कुल सही गए हैं और जीत हमारी होगी, ये नॉट मेरिट वाला भला अच्छी तरीके से भली भांति जानता है। अगर आप एक बार नॉट मेरिट के बच्चे से किसी से बात करके देख ले, आपको कन्फर्म हो जाएगा वो कितना डरा हुआ है। उसको भी पता है उसको कुछ नहीं होने वाला है, उसको पता है उसका कुछ नहीं होने वाला है, सरकार को भी पता है उसका कुछ नहीं होने वाला है, लेटर रद्द हो जाएगा, लेकिन वो सोच रही है वोट बैंक के लिए कि ऐसा हो जाए ताकि हम बच्चे को लपेटेंगे और खींच खाँच के बहाली को खींचेंगे ही, और ये ऐसा या फिर ऐसा दोनों में से कुछ भी हो जाए तो बहाली थोड़ा लंबा जाएगा और नियोजन में जाके इनको लपेटेंगे। और हमें क्या करना है कि विज्ञापन के साथ चलना है, विज्ञापन के साथ चलना है, कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय देगा, इंतजार करना है, कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय देगा, उसके बाद हमें नियोजन में जाए या नियुक्ति दे, जैसे भी करेगा सिर्फ हमारी बहाली होगी और हमारा नियोजन या नियुक्ति जो भी हो पक्का होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरिट वाले का होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और अंतिम बात मैं बता दूं कि ये बहाली 2019 की है, ये इस पे लागू नहीं हो सकता है। चाहे शिक्षा मंत्री का पापा आ जाए या शिक्षा मंत्री की माँ आ जाए, शिक्षा मंत्री का कोई भी आ जाए, या वो जो सचिव जिसको संजय सर कहते हैं, वो सर तो सर के लायक नहीं है, वो एक चापलूस गधा जो चापलूसी करता है, वो उस औहदे के लायक नहीं है, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उसको सर कहना या मूर्ख, तो कोई भी कहता है शिक्षा मंत्री मूर्ख है, अरे शिक्षा मंत्री तो मूर्ख है, लेकिन एक IAS जो उसके चरणों में पड़ा हुआ है, उसके तलवे चाट रहा है, उसके पैरों को धो के पी रहा है, वो क्या आदमी सही है? वो आदमी बिल्कुल ही सही नहीं है, वो बिल्कुल महागधा है। शिक्षा मंत्री गधा है तो महागधा है। जिस गधे को ये नहीं पता कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट नहीं होता है, मेरिट नॉट मेरिट बराबर फेल होता है, वो गधा मेरिट बराबर नॉट मेरिट बोल रहा है, वो गधा IAS कैसा है? अरे बन गया किसी ज़माने में, बन गया, अरे मेहनत किया बन गया, उस समय बन गया, लेकिन जिसको ये नहीं मालूम वो गधा ही है, उसको इज्जत देने लायक नहीं है, वो आदमी महा बेकार आदमी है, महा गधा है, तलवे चाटने वाला। चलिए वो सब छोड़िए, तो हमें कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना है और बहाली सिर्फ और सिर्फ मेरिट वाले की होएगी। चाहे कुछ भी हो जाए बहाली मेरिट वाले की होएगी। अगर कुछ लोग कहते हैं कि क्या है कि सरकार के दबाव में कोर्ट क्या करेगा, सरकार के पक्ष में फैसला सुना देगा, ऐसा अगर होता ना, अगर ऐसा होता तो ये पहला केस नहीं है, UP में हुआ भाई और भी कई राज्य में हुआ, लेकिन कभी कोर्ट ने नहीं सुनाया, क्योंकि ऐसा नहीं सुना सकता, ये एक सार्वजनिक मामला हो जाएगा। सार्वजनिक मामला है विज्ञापन को रद्द करना, एक किसी का पर्सनल नहीं, एक आदमी का नुकसान नहीं हो रहा है, विज्ञापन रद्द होना यानी पूरे भारत में इसको बताना पड़ेगा कारण कि भाई रद्द क्यों करोगे, ये एक लेटर 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 से कुछ नहीं होता है, लेटर तो आए गए आज या कल निकलते रहते हैं लेटर, विज्ञापन अपने आप में कानून है, तो इसीलिए वो इसको अपना गलती छुपाने के लिए वो ये सब थोपने की कोशिश कर रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं। अगर कोर्ट ने बाई चांस सुना भी दिया हमारे विरुद्ध फैसला, तो हमें क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, छोड़ना नहीं है, एक भी नॉट मेरिट का
नॉट मेट को शामिल नहीं होने देना है। इन गधों ने पूरा का पूरा बहाली फंसा दिया है, इन गधों को शामिल होने दे, बिल्कुल नहीं। अंतिम बात मैं एक और बता दूं कि ये जो जितना भी रचा जा रहा है ये 2019 के लिए नहीं है, इस पे लागू के लिए, ये नई बहाली के लिए, क्योंकि अखबार में जो निकला था उसमें ये नहीं लिखा था कि 2019 पे ये लागू होगा, बल्कि उसमें ये लिखा था कि नया 8,000 पंचायतों में से 5,500 पंचायतों में स्कूल खोले जाएंगे और उनकी जो बहाली होगी वो होगी BPSC के द्वारा होगी एग्ज़ाम लेके, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये भी बात है। मैंने खुद इस अखबार में पढ़ा था, आप देख सकते हैं वीडियो में, कहीं मैंने पढ़ा होगा, कहीं वीडियो बनाया था, तो वो BPSC द्वारा लेने की बात उसकी कर रहा था, शिक्षा मंत्री का मैंने भी देखा था, उसमें अखबार में छपा हुआ है। वो जब रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिवस था उस दिन के अखबार में छपा हुआ है ये खबर, आप देख सकते हैं अखबार उठा के, पुराना एक दो दिन पहले का, तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नया स्कूल खोला जाएगा उसकी बहाली जो होगी वो BPSC के द्वारा होगी एग्ज़ाम के माध्यम से, वो भी सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं हो जाए। तो ये देखा जाए तो अफवाह ही है, जो कह सकते हैं कि यूट्यूबर द्वारा फैलाया जा रहा है, या हो सकता है कि जो सचिवालय है से जो अधिकारी बैठे हैं वो तो आपको पता ही है कितने दिमाग वाले हैं, उन्होंने ही गलत जानकारी दे दी हो, ताकि अभी इनका क्या है, इनको जानकारी मिली यूट्यूब पे फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये नियमावली इस पे लागू कभी नहीं हो सकती है, ये हर किसी को पता है, अगर ऐसा होने लगा ना तो कोई बहाली हो नहीं पाएगी। कल को अगर ऐसा होने लगा ना, बाद में दोबारा एग्ज़ाम लेने लगो तो क्या पुलिस की बहाली हो पाएगी, क्या UPSC की बहाली हो पाएगी, क्या BPSC के जो एक जितने भी बहालियाँ हो रही हो पाएगी, कोई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर कोई इसी का एग्जाम्पल देगा कि सर जी शिक्षक भर्ती में ऐसा हुआ है, कोई भी बोलेगा, कोई भी कोर्ट चला जाएगा, सर जी शिक्षक भर्ती में ऐसा हुआ है, पहले एग्जाम में बच्चे फेल हो गए तो उन्होंने केस कर दिया, उन्होंने गेट तोड़ दिया, और गेट तोड़ने के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसा कर दिया तो हम भी गेट तोड़ेंगे और गेट तोड़ने के बाद क्या होगा, हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा और हमें भी बहाली में शामिल कर लिया जाएगा, एक और एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये सिर्फ अफवाह है, ये कन्फर्म है कि ये अफवाह है, ठीक है। अगर ऐसा होने लगा ना तो कल को जो फेल वाला है वो भी पहुंच जाएगा, वो भी बोलेगा मैं भी जा रहा हूँ, अब कि मैं जाऊँगा शिक्षा विभाग का भी गेट तोड़ूंगा और बिहार बोर्ड का भी गेट तोड़ूंगा और दो चार जूते वो मंत्री जी के दरवाजे पे वहाँ फेंक दूंगा, बस फिर तो मेरी तो बहाली, वो सीधा बोलेंगे पहले फेल वाले की बहाली करो। तो इसीलिए ये सब अफवाहें हैं, इस पर विश्वास मत करो, बहाली सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के अनुसार होगी, भले ही थोड़ा लेट होएगा लेकिन बहाली सिर्फ और सिर्फ मेरिट वाले की होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।